गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एस जे व्लॉग्स। आज से एक राइड की शुरुआत हो रही है। अब इस राइड का नाम आप डिसाइड करो, क्योंकि अभी क्या है, इस राइड पे अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर प्लेस, उसके बाद वहाँ से अपने घर बिहार, और उसके बाद वहाँ से नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद फिर पूरा इंडिया। अब या तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट राइड कह लो या तो ऑल इंडिया राइड कह लो। तो अब भाई तुम्हारा भाई निकल गया है पूरा घूमने के लिए। मुझे नहीं पता कितने दिनों तक ये राइड होगी, कहाँ कहाँ मैं स्टॉप लेने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आज का पता है कि आज मैं लखनऊ में स्टॉप लेने वाला हूँ, और ये जो पूरी तैयारी करते करते आज हो गया है लेट, क्योंकि मैं घर पे अकेला हूँ। यह आप देख लो, सब कुछ पैक कर दिया है मैंने। मुझे नहीं पता 6 महीने 7 महीने 8 महीने कितने दिनों के बाद यहाँ पे आऊँगा। वैसे दिल्ली रास्ते में पड़ता है, जब कश्मीर की तरफ जाएंगे तो शायद एक बारी वापस से आना होगा। यहाँ पे मेरे पैनियर्स वगैरह तैयार हैं, कैंप का सारा सेटअप यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। पूरे पैनियर्स, पूरे टॉप बॉक्स सब फुल हैं, क्योंकि ठंड के कपड़े हैं, गर्मी के कपड़े हैं। मुझे नहीं पता अरुणाचल में कितना ठंड होगा, मुझे नहीं पता ऐसा वो बुमला पास जा पाएंगे कि नहीं। तो आज से एक बहुत ही बड़ी राइड स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट डे लखनऊ स्टॉप है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 बज गए हैं। मेरा आज लखनऊ का ही प्लान था, इसीलिए मैंने थोड़ा लेट भी किया आराम आराम से, और ये राइड पूरी आराम आराम से होगी। मैं कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहे। अगर आप ये पहले दिन पे वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे अपडेट मिलेगा आपको लेटेस्ट, और वहीं के थ्रू अगर हम आपके शहर में होंगे तो आपसे मिलते हुए जाएंगे। आज की राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। ऑल द बेस्ट ज़रूर लिखना कमेंट्स में। बाकी सारा सामान लेते हैं पैनियर्स, अपने बाइक पे लोड करते हैं, निकलते हैं फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम अपने इस बड़ी राइड के लिए तैयार हैं। मीटर को कर दिया 0 और निकल पड़े हैं दिल्ली से। यहाँ से आज का जो डेस्टिनेशन है 8 घंटे 25 मिनट बता रहा है, लेकिन क्योंकि हम लेट हैं तो हमें पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। दिल्ली से निकलकर हाईवे पर जाना, ये भी अपने आप में एक ट्रिप है, लॉन्ग राइड है ये, लंबा दंगल। दिल्ली के एग्जिट पे हो गई है एंट्री। ये है दिल्ली नोएडा दिल्ली DND फ्लाईवे, और अब कोई जाम नहीं मिलेगा। अब यहाँ से 7 घंटे 5 मिनट बता रहा है लखनऊ। भले रात हो जाए, आज लखनऊ जाएंगे। दिल्ली नोएडा से निकल के अब हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, और ये एक्सप्रेसवे हमें ले जाएगी आगरा तक। हालांकि मैंने बहुत बार ही बताया है, लेकिन जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर जो लोग इस एक्सप्रेसवे को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एक्सप्रेसवे पर बाइक्स अलाउड है और बाइक्स का टोल लगता है। इंडिया में कुछ ही ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिन पे बाइक्स का टोल लगता है, उसमें से ये एक है। इसके बाद जो आज हम जाने वाले हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे, उस पर भी बाइक का टोल लगता है। यहाँ से आगरा है 184 और मथुरा है 125। घर से चले हुए 98.7 किलोमीटर्स हो चुके हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पेट्रोल पंप जो मुझे ऐसे रास्ते पे मिला है शायद। वैसे अगर देखा जाए तो DND के बाद से DND हो गया, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया, नोएडा एक्सप्रेसवे, फिर यमुना एक्सप्रेसवे, उस पर फर्स्ट पेट्रोल पंप यही मिलता है रोड पे। अदरवाइज़ आपको डाइवर्जन लेके थोड़ा इधर उधर जाना होता है। यहाँ पे वैसे खाने पीने को भी है, लेकिन खाने का ऐसा अभी मन नहीं है, पेट्रोल डलवाओ आगे बढ़ते जाओ। यहाँ है 106 रुपये, दिल्ली से तो सस्ता है। चलो भैया ठीक है। ये है जेवर टोल प्लाज़ा, और टू व्हीलर्स की लाइन इधर से है क्या? हाँ जी इधर से है। कितने का चल रहा है अभी? 205।
अभी जेवर से निकले थे, अभी सोचो वृंदावन आ गए। मैंने कहीं स्टॉप नहीं लिया, बस चलता चला गया। यहाँ भी स्टॉप लेने का कोई सीन था नहीं, लेकिन यहाँ पे वर्कशॉप है ना, तो ये इधर का लाइट ऐसे ही हवा में डोल रहा है यार। ये गिर जाए इससे पहले इसको टिका देता हूँ। किधर है वर्कशॉप? यहाँ है शायद। वैसे हर बार यहीं पे आके हम लोग लंच या ब्रेकफास्ट करते थे। इसका नेट है क्या? हाँ, इसमें एक नेट लगा दो। नहीं है। ये था आगरा टोल प्लाज़ा, और अभी तक आज मैंने कवर कर लिया है 217 किलोमीटर्स। ये 217 किलोमीटर कैसे हुए, कैसे गए, कुछ पता नहीं चला यार। लास्ट टाइम जब मैं लखनऊ से दिल्ली आ रहा था, तो आगरा के एक्सप्रेसवे पे टोल, जहाँ से मतलब स्टार्ट होता है टोल रोड, वहाँ पे हमारा एक भाई वेट कर रहे थे, और वो हमारे लिए वेट कर रहे थे पेठा लेकर। तो राइड करते करते अभी मैं पहुँच गया आगरा। आगरा मतलब जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है, वो वहाँ से मैंने एग्ज़िट ले लिया है, और अभी ये इनर रिंग रोड है, इसके आगे जाके हमें मिल जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे। और सुबह से हमारा वेट कर रहे थे सर, सर कैनन के ओनर, सर्विस सेंटर के ओनर, सर्विस सेंटर के आगरा से। और सर आप कब आए थे यहाँ पे? मैं पहले आया था 12:30 बजे बच्चों के साथ में, फिर बच्चों का कहीं जाने का प्रोग्राम था, तो मैं वापस घर गया, और वापस घर से फिर तैयार होके फिर वापस आया मैं। और अभी टाइम 4 बज रहा है, लगभग 4 बजे। और भैया मेरे लिए आगरा का फेमस पेठा लेकर आए हैं, थैंक यू सो मच। ये मतलब वैसे जी आप पहली बार मिले हो तो खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे। भैया से बात ही कर रहा था मैं, करते करते कुछ और भाई लोग मिल गए। ये लोग, आप लोग भैया कहाँ से बताओ? मैं इटावा से हूँ, मेरा नाम श्याम है। मैं सर का सब्सक्राइबर हूँ, सर को देखा मैं रुका और आपके साथ में, सर के साथ में आया। मैं जा रहा था श्रीधाम करना, और आज मेरी ठाकुर जी से बहुत अपील रही कि आज मुझे सर के दर्शन कराए, तो आज मैं बहुत धन्य हो गया। इतना ज़्यादा नहीं, नहीं नहीं, मैं सर को हमेशा देखता था, मैंने सर का बहुत वीडियो देखे। सबसे अच्छा तो मुझे जो वीडियो लगा हुआ था वो मलाली का लगा हुआ था, जो सर का बाइक से, सोचा कि मैं सर के साथ में जाऊं और यहीं से चला जाऊं, मुझे लग रहा है। तो अभी मैं इनसे बात कर रहा था, अब मैं थोड़ी देर इनसे बात करूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। वीडियो में तो आपने धनेश भाई को देख ही लिया, एक और वीडियो में देख लो। इस बार भी जब हम जा रहे हैं तो हमारी मुलाकात हुई धनेश भाई से। अभी हम आगरा में हैं, और आगरा में ये होटल का नाम क्या था? राज रसोई। राज रसोई, इन्होंने बोला आओ साथ में, हम मैंने ही बोला कि सर आओ मिल के साथ में लंच करते हैं। वापस से ये मेरे लिए आए, लेकिन इस बार मैंने इनको ज़्यादा वेट नहीं कराया। इस बार सही टाइम पे आ गए हम। और फिर से इस बार भैया मेरे लिए पेठा लेकर आए। इस बार मतलब मैं ये समझ रहा हूँ, जो आगरा का लोकल बंदा है वही ला सकता है पेठा, वरना तो पेठा सबने खाया है, पर जो जो पेठा मैंने खाया है लाजवाब। सर थैंक यू सो मच, इस बार का भी पेठा बहुत बहुत शानदार, बहुत जानदार। आते रहो, ऐसे ही खिलाते रहेंगे। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं यहाँ से अब आगे निकलता हूँ लखनऊ की तरफ। टाइम ज़्यादा हो गया है, 4 बज गए, 4 से ज़्यादा ही हो गए, तो फटाफट निकलना होगा, क्योंकि यहाँ से भी पहुँचते पहुँचते 4.5 घंटे लग ही जाएंगे। तो ठीक है सर, चलें फिर। ओके, थैंक यू सो मच, फिर से फिर मिलेंगे। राइड में चलेंगे साथ में। बिल्कुल। राज रसोई खाना बढ़िया था यार, नो डाउट। राज रसोई में तो हमने खा लिया, अब लखनऊ की रसोई तो यार बहुत दूर है। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैं आया था आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, अलग फीलिंग थी, और डर भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी था। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे रोज़ का आना जाना है। ये आगरा का रिंग रोड चल रहा है, अभी यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मैं सच बताऊँ, लखनऊ एक्सप्रेसवे बहुत शानदार है, उसके जो रोड हैं वो बहुत ही शानदार है। 2 पेट्रोल पंप हैं, ये दिक्कत है, और एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत बोरिंग रोड है, कुछ भी नहीं है आसपास देखने को, बस रोड ही रोड। तो अभी कम से कम 300 किलोमीटर वैसे रोड पे चलाना है, और उसके बाद फिर लखनऊ क्रॉस करके हमें आगे इंदिरा नगर को जाना है। 300 9597 पूरा बताना है। और ये देखते ही देखते लखनऊ एक्सप्रेसवे के 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं।
100 किलोमीटर पूरे होते ही पेट्रोल पंप है। बाइकर दोस्तों से अनुरोध है, कृपया टैंक भरवा के आगे बढ़े, अन्यथा परेशानी हो सकती है। तो अभी मैं हूँ लखनऊ एक्सप्रेसवे के सेकंड फ्यूल पंप पे, और यहाँ से एक्सप्रेसवे और कुछ 85 किलोमीटर और रह रहा है, और जो अपने डेस्टिनेशन है वो 112 किलोमीटर। रात हो गई है, 7 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि इस 200 किलोमीटर के आसपास क्या हुआ है। ये देखो कितने सारे मर्डर्स हुए हैं मेरे हेलमेट पे। ये सुसाइड है, वैसे मर्डर नहीं है, सुसाइड है। इधर भी है, इधर भी है, हर जगह ही है। 5 से 7 मिनट का स्टॉप लेके अब आगे चलते हैं। 5:30 मैंने लखनऊ एक्सप्रेसवे पे स्टार्ट किया था, और 8:05 लखनऊ एक्सप्रेसवे ख़त्म हो रहा है, और बीच में मैंने 2 फ्यूल ब्रेक और एक छोटा सा ब्रेक लिया। गजब का एक्सप्रेसवे है यार, रात के भी मतलब पैसे वसूल हैं, रात में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यार लखनऊ आने के बाद हम आ गए इंदिरा नगर। इंदिरा नगर में हमेशा एक ही जगह है जहाँ पे स्टे लेता हूँ मैं, जहाँ पे लास्ट टाइम मीटअप भी किया था। और लद्दाख की वीडियो में एक सवाल जो हर वीडियो में आया है कि भाई वो जो चौथा बंदा था वो कहाँ गया, वो जो चौथा जो अपाचे वाला था वो कहाँ गया, तो वो देखो कहाँ गया, वो यहाँ है, वो इतने दिन से लखनऊ में तो ये मधुर भाई हमें मिले हैं, ये यहीं रह रहे थे, तो इन्होंने बोला कि आप आए हो तो मिलने आ जाते हैं, बाकी कभी कुछ प्लान बना तो आगे भी देख लेंगे। फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान है नहीं जाने वाने का, लेकिन अभी मिलना हो गया, बहुत दिनों के बाद मिले मेरे ख्याल से लद्दाख के बाद, दो महीने बाद। दो चार सामान भी मेरे लेके भग गए थे और बताओ सर कैसा चल रहा है MTV मधुर? सब बढ़िया, सब बढ़िया। मतलब SJ ब्लॉग के दर्शकों को हमारी तरफ से छोटा सा नमस्कार। ओवर एक्टिंग देखो तो भाई बहुत ही अच्छा लगा, और भाई के साथ में मिलते हैं यार, तो प्यार तो ही है ना, कनेक्शन एक छोटा बस। अब पुच्ची मत ले लेना तो यार एक बात आपसे और बतानी थी कि लास्ट टाइम जैसे मैंने यहाँ पे मीटअप किया था उसकी वीडियो किसी कारण से मैं डाल नहीं पाया था, तो वो वीडियो देखो आप, बड़ा मजेदार मीटअप था, तो देखना तो बनता है। इस बार इसीलिए मीटअप नहीं किया मैंने क्योंकि लास्ट मीटअप की वीडियो आई नहीं, और लोग ऐसे बोलेंगे यार तुम वीडियो बना लेते हो, डालते तो हो नहीं तो उन लोगों के लिए यार सबसे पहले तो सॉरी जो लोग आए थे। और अब अगली आवाज़ SJ व्लॉग्स की थोड़ा पास्ट में जाके। तो आज सुबह वापस से मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था कि लखनऊ में भी एक छोटा सा मीटअप करेंगे, और एज एक्सपेक्टेड, वैसे मैंने सच में सोचा था कि लखनऊ में ऐसे 5-6 लोग आएंगे आराम से, जो मेरा कमरा रहेगा उसी में बढ़िया से बैठ के मीटअप कर लेंगे, लेकिन देखो लखनऊ में बहुत सारे लोग आ गए हैं बहुत सारे लोग आ गए और हमारे पास जगह कम हो गया बैठने का क्योंकि ऐसे कुछ अभी और आ गए तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों का आने के लिए, और स्पेशल शाउट आउट देना चाहूँगा मैं, वैसे जब भी लखनऊ आता हूँ हमेशा ग्रीन व्यू होम स्टे है यहाँ पे मैं आके स्टे करता हूँ, और भैया ने ऐसे फटाफट जितना भी अरेंजमेंट हो सका सब किया, सब कुछ ऐसे अरेंजमेंट किया, तो आप लोगों को भी थैंक यू सो मच आने के लिए। और बाकी अभी हमारी बातचीत अभी चलेगी, मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप बना लेते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं मैं तो चाहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितने लोग भी मुझे देखते हैं मैं सबसे मिल पाऊँ, क्या पता एक दिन हो पाए ऐसे कि सबसे मिल पाए, लेकिन जितने लोगों से भी मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है, सबके बारे में जानने को मिलता है। आप तो मुझे वीडियोस के थ्रू देखते हो, मैं ऐसे ऐसे मौके पे आप लोगों से मिल सकता हूँ और जान सकता हूँ, तो अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सीखने को भी मिलती है। अभी अब इनसे बात करता हूँ, बाद में आपसे बात करूँगा 5 बजे मीटअप रखा था मैंने, और अभी कितने बज रहे हैं? 4:30 बजे आए थे सर। 4:30 8 बज गए वैसे, 8 बज गए, और मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग चले गए अभी, लेकिन ज़्यादा लोग अभी यहीं हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ ताकि सारे लोग दिखें। तो मीटअप ये वाला बहुत अच्छा हुआ है, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत सबसे बात की मैंने भर भर के बात की, बहुत कुछ जानने को मिला, पहचानने को मिला, भाई लोगों से भी, हाँ भाई लोग भी हैं। और मैं एक चीज़ वापस से बोलूँगा, थोड़ा देर पहले भी बोला था, मुझे इस मीटअप पे देखो बहुत ही रैंडम था ये भी, और मुझे भैया ने जो यहाँ के ये जो ओयो होटल ग्रीन व्यू होम स्टे वाले भैया हैं इन्होंने बहुत हेल्प किया। अगर आप
कभी भी लखनऊ आओ और इस साइड आना चाहो तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं नंबर दे दूंगा, नंबर मैं मेंशन कर दो, स्क्रीन पे आ रहा होगा। भैया से आप आराम से कॉल करके होटल बुक करा सकते हो। आप लोगों का थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोग आए। मतलब मेरा जितना भी ये तीसरा मीटअप है भागलपुर लखनऊ, भागलपुर पटना और लखनऊ, मुझे तीनों मीटअप्स पे बहुत बहुत प्यार मिला। आप लोगों से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। अब आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। लखनऊ वाले बहुत दिन से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम बाद मिलने को मिला। देखो अच्छा लगा। लखनऊ में हम फिर मीटअप करेंगे, लेकिन इस बार ऐसे कमरे में नहीं करेंगे, कुछ अलग जगह पे करेंगे। बाकी अभी फिलहाल यही। अब मैं भोलेनाथ ये प्यार है मेरा भी और भोलेनाथ के लिए। तो यार हमारा मीटअप तो हो गया बहुत बढ़िया, और अभी मैं और अक्षय भाई और यहाँ पीछे नीतीश भाई नाम है या और कुछ भाई लोग हैं, सारे हाँ सारे लोग मिलके हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई बताएंगे? लखनऊ डेस्टिनेशन। लखनऊ डेस्टिनेशन इन्होंने बोला क्या कि बढ़िया गए वहाँ पे वहाँ का खाना, तो चलो आज भाई लोग के साथ लंच करते हैं। लंच नहीं डिनर, नॉनवेज करेंगे भाई को। हम स्पेशली लखनऊ का नॉनवेज खिलाने के लिए बुलाए हैं, इसलिए भाई आए, सो आपको वहीं पे मिलते हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट अभी आ गया है, ये क्या है सर? रोस्टेड चिकन है, स्पेशल रोस्टेड चिकन है। खैर ये बातें तो बाद में करूँगा, अभी बातों में पता चला कि भाई का एक यूट्यूब चैनल है, ये शर्मा रहे थे बता नहीं रहे थे। इनका चैनल का नाम है कॉन्ग गेमिंग, गेमिंग वीडियोज़ बनाते हैं। और उसके बाद पता चला कि भाई का भी एक YouTube चैनल है निक्स ब्लॉग, ये ब्लॉग करते हैं लखनऊ के बारे में, लखनऊ के बारे में डेली फूडिंग कर रहे हैं। तो आप इन दोनों को प्लीज़ चेक कीजिएगा, अच्छे अच्छे लोग हैं, तो चेक कर लेना आप। ये नेक्स्ट चीज़ है, ये है चिकन मसाला, और ये है यहाँ कहते हैं इसको बर्रा, चिकन बर्रा। अब इसके क्या स्पेशलिटी है ये थोड़ा देर में खाने के बाद पता चलेगा। और इसके साथ ही है मुगलई पराठा, तो ये लखनऊ में नवाबी हो रही भाई। हमारा जो मीटअप था वो स्टार्ट हुआ था 5:30 और अभी 11 से भी ऊपर हो गया, 11 बज गया। तो अभी तक मीटअप चल रहा है, अभी हम लोग जो खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, वो कंप्लीट हो गया, हम वापस अपने होटल में आ गए। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा वहाँ का खाना। लखनऊ डेस्टिनेशन था, इंदिरा नगर के आसपास ही है शायद। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई का फेवरेट था, तो हमें भी पहली बार यहाँ जाने का मौका मिला लखनऊ में। सबसे अच्छा लगा भाई से मिला मुझे भी आप लोगों भाई के साथ डिनर करने का ड्रीम था, वो कंप्लीट हो गया शुभम भाई के साथ, भाई के साथ नहीं। मुझे भी आप लोगों के साथ रियल शुभम झा। अच्छा कुछ ऐसे फर्क है रियल और रील में? बिल्कुल नहीं, रियल में जैसे आपको रील में दिखते हैं वैसे रियल में दिखेंगे, कभी भी आप लोग मिलोगे तो मैं इतना श्योरली बोल सकता हूँ, भाई भी इतना श्योरली बोल रहे। तो अभी आप वीडियो में देख रहे थे कि अक्षय भाई और मैं, वैसे राहुल भाई हैं ये, राहुल भाई उस वीडियो में नहीं थे, हम दोनों मिलके लखनऊ डेस्टिनेशन पे अपना डेस्टिनेशन पूरा कर रहे थे, चिकन विकन खा रहे थे। भाई फिर से आए हैं मिलने, सेम होटल सेम जगह, और हम लोग सेम जगह वापस से जा रहे हैं। तो देखो वीडियो हो गई है बहुत लंबी, फिर से वही नहीं दिखाएंगे कि हम क्या क्या खा रहे हैं, वही खाएंगे जो वहाँ खाया था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये दिल्ली से लखनऊ तक का सफ़र। लखनऊ में आके ऑब्वियसली बड़ा मज़ा आता है, लास्ट मीटअप पे बहुत मज़ा आया था। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो लोग मीटअप में आए थे, और सॉरी भी उनको भी, आपको भी सॉरी क्योंकि आप लोग आए थे, वीडियो मैंने बनाई थी पर डालने में थोड़ा डिले हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये है राहुल भाई, राहुल भाई से वीडियो पे आज पहली बार ऐसे मुलाकात हो रही है, वैसे हम लोग पहले मिले हैं, थोड़ा देर पहले ही मिले हैं। बाकी सब बढ़िया? सब बढ़िया, भोलेनाथ सबके साथ? सबके साथ, हर हर महादेव। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, तीन बार ही बोल चुका हूँ, मिलते हैं नए वीडियो पे, नए मतलब यहाँ से जो घर जाना है उस वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।